सीजन 2 की स्टार्टिंग होती है, वहाँ पे हमें प्रेजिडेंट को दिखाया जाता है। वो कहता है कि मुशीरो आई, क्या है ये राइटिंग बिल्कुल रॉ फॉर्म में है और बेकार है, और तुम क्या कर रहे हो ये, बिल्कुल इसे ठीक करो दोबारा। और ये मुशीरो आई अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है, बोलते हैं मैं फर्स्ट ईयर में हूँ और मेरा नाम मुशीरो आई है अपने मन में। तभी प्रेजिडेंट उस पर धमकाता है, बोलता है कि चुपचाप ये काम करो, और वो दादागिरी धमकाता रहता है और मुशीरो से सारा काम करवाती है। बोलता है कि इसे करोगी ना, हाँ, वो डर के मारे बोलती है हाँ। और अगले दिन वो लेट हो जाती है स्कूल आने में, इसलिए वो भागते भागते आती है और परेशान हो जाती है। वो देखते हैं कि प्रेजिडेंट चीटिंग कर रहा होता है एग्ज़ाम के अंदर, तो वो चुपके से उसकी फ़ोटो निकाल लेती है। ये करते हुए प्रेजिडेंट उसे देख लेता है, बोलता है, और फिर उसे साइड में ले आता है कि वो बोलता है कि किसी को ये मत बताना कि मैं चीटिंग कर रहा था। मुशीरो आई बोलते ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी। फिर वो प्रेजिडेंट के स्टाइल में उसे धमकाता है कि उससे बदले तो मैं मेरी बात मांगना पड़ेगा, और वो प्रेजिडेंट डर जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो मांगा के कैरेक्टर रहता है, जिसे हमारा कैरेक्टर पढ़ रहा होता है, नागो सेनपाई, वो पढ़ रहा होता उसको। फिर वहाँ पे दरवाज़ा खटखटाते हैं और वहाँ पे हमारी नागाटोरो आ जाती है। वो बोलती है हेलो सेनपाई, आप क्या पढ़ रहे हो। तो वो चीज़ छुपा लेता है कॉमिक को, वो कहते हैं देखो मैं एक शूज़ खरीद के लाई हूँ, ये बढ़िया है ना स्कूल्स के लिए। वो उसे पहन के दिखाती है, बोलते क्यों सेनपाई, आप शर्मा रहे हो, आपको कैसा लग रहा है मेरे पे। वो कहता है बिल्कुल ठीक ही लग रहा है, वो कह रहा है बिल्कुल बेकार, कोई मज़ेदार नहीं है। तो वो देखती है कि सेनपाई को छुपा रहा होता है, तो नागाटोरो को बार बार तो चेक कर रही होती है। बोलते कि अच्छा ये वाला कॉमिक, ये तो मेरा भी फेवरेट कॉमिक है और ये तो मैंने पहले ही ख़त्म कर चुकी हूँ। वो बोलते सेनपाई कि हाँ, ऐसे मत सोचो मैं कुछ गलत हूँ, ये अभी थोड़ा बढ़िया चल रहा पीक पे, ये लव वाला कॉमिक। वो बोलती है अच्छा हाँ, ये तो वही है लव स्लेव, ये मेरा फेवरेट है और इसकी जो मेन कैरेक्टर है वो मेरे को बहुत पसंद है ना, और मेरी तरह ही लगती है ना कुछ कुछ, क्यों सेनपाई। वो कहता है हाँ ऐसा है कुछ। वो बोलते कि अच्छा सच में आपको ये ऐसी कॉमिक पसंद है, ऐसे ऐसे कॉमिक के बारे में क्या उसका सीन याद है आपको, जो उसके ऊपर से उसका प्रेसिडेंट के उसका जूता चाटने के लिए बोलती है, क्यों जो उसके वहाँ पे लग जाती है। इसमें दिखाया जाता है जो मुशीरो आई रहती है वो बिल्कुल फुल फ़ायदा उठाती है, क्यों देखो स्पॉयलर्स। वो बोलती है कि अच्छा ठीक है। फिर वो बॉटल कैप खोली होती है नागाटोरो, वो वैसे बस मजाक के लिए कि सेनपाई आप भी करोगे क्या ये। बोलता है मत करो ऐसा, वो हमारा सेनपाई बोलता है, वो ऐसे छीना छानी में वो पानी गिर जाता है। नागाटोरो शर्मा जाती है कि सेनपाई क्या कर रही है। वो दिखाते हैं वो अपना हैंकरचिप निकालता है और उसके ना जूते साफ कर देता है, ये तुम्हारा गंदा है। नागटोरा शर्मा जाती है कि ये क्या कर रहे हैं। फिर अगले दिन का दिखाया जाता है, तो फिर वहाँ पर हमारा सेनपाई जो नाटो रहता है वो सोचता है कि ये रोज़ मेरे साथ ऐसा करती है, मेरे को पीछे से बुलाती है, क्यों मैं ना इसको मैं हेलो करूँ। बोलता है नहीं, अगर वो उसने चिल्लाने लग गई या कुछ कर दिया ऐसा मेरे साथ तो यह मेरी बदनामी हो जाएगी। तो वो चुपचाप जा रहा होता है, वहाँ पर वो नागाटोरो देख लेती है। कहते क्यों सेनपाई, अपने ख्यालों में खोए हो, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे अकेले अकेले। वो ना जा रहा होता है तो उसे चिढ़ा रही होती है, बार बार परेशान कर रही होती है, क्यों सेनपाई क्या सोच रहे हो, सुबह सुबह ठरकी पना है सुबह सुबह ही। तो वो नाटो समझाता है कि ऐसा मत करो। वो बोलता है कि कुछ नहीं, मैं ऐसे ही जा रहा था, मैं सोचा था किसी को हेलो बोलना कैसे सीखूँ। वो बोला तुम इतना से टेंशन सेनपाई, तुम मेरे से बोल सकते हो, कहते ये पहला स्टेप यो। वो बोलते हैं ऐसा पहला स्टेप, ऐसे किसी अपने दोस्त को बोल सकते हो गुड मॉर्निंग, वो ये है दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप। वो बार बार से मारपीट को देखिए, ये सारा तो एक ही जैसा स्टेप है, इसमें नया क्या है। वो बोलते हैं कि नया ऐसे ही तो होता है, नाटो ऐसे उसे बताती है। फिर वो बोलते हैं कि ये चौथा स्टाइल स्पेशल मेरा, और क्यों सेनपाई आपको मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। नाटो घबरा जाता है, वो बोलते हैं क्या ये क्या कर रही है मेरे साथ। नहीं, वो कहता है क्यों सेनपाई आपका कुछ अजीब सा फील नहीं हो रहा, सुबह सुबह ही मन में आपके मन में कितना गंदा है, आप ठरकी पना बिल्कुल, क्या मैं सबको ये बता दूं हैं सेनपाई। बोलता है कि ऐसा मत करो, तुम मेरा परेशान मत करो मेरे को सुबह सुबह ही। फिर ये बोलती है, हमारा सेनपाई बोलता है कि ये क्या मजाक बना रखा है। तो कहता है कि सुबह सुबह मजाक बंद करो, मेरे को प्लीज़ छोड़ दो नागटोरो। वो बोलते हैं ठीक है सेनपाई, एक ही शर्त पे बोल छोड़ूंगी, आप ऐसा ठरकी पना मत करो, ठीक है। आप क्या कुछ हो गया क्या, अंदर बोनर हो गया। फिर क्या क्या कह रही हो, कह रहे मैं बता रही हूँ सबको चिल्ला चिल्ला के, सुबह सुबह ऐसे हाई स्कूल का ठरकी टीचर बंदा मेरे को छूते ही इसको क्या क्या मन में ख्याली पुलाव पकने लग गए, देखो जरा सुनो सुनो आस पास के लोग। वो समझाता है ऐसा मत करो प्लीज़। वो
वो बोलता है कि क्या अभी भी बुरा मत मानो, मैं तो मजाक कर रही थी। वो नाओटो बोलता है कि ठीक, क्या मैं उसको टच करूँ, मैं से बोलूँ कि ऐसा ना करूँ, नहीं, या फिर मैं भी हक करके उसे हेलो बोलूँ, नहीं, ऐसा क्या सोच रहा हूँ मैं, गलत बात है। वो ऐसे ना वो जा रहा होता है, गलती से पत्थर से टकरा के उसे टच कर देता है और उसके हाथ कहीं और चले जाता है, और वो घबरा जाती है नागाटोरो और गिर जाती है, और उसे धक्का मारती है। वहाँ पे गामो और योशी आ रही होती है, तो गामो उसे मारती है, वहाँ पे नागाटोरो कैच कर लेती है। ये दोनों उसकी क्लासमेट रहती है, बोलते हैं कि हेलो ना नागाटोरो। वो हमारा सेनपाई एक चीज़ नोटिस करता है नाटो कि ये नॉर्मल वाला हेलो क्यों कर रहे हैं इसके साथ, और मेरे को तो अलग अलग स्टेप सिखाया था। वो दोनों बोलते कि हेलो, वो बोलते हैं कि सेनपाई चलो साथ में। तो ये फ़ोन चला रहे होते हैं और ये अपना ड्राइंग बना रहा होता है, हमारा सेनपाई वो फ़ोन चेक कर रही होती है, बोलता है कि तुम यहाँ ऐसे क्यों देख रहे हो। फिर उसके मन में फिर ख्याल आता है कि परेशान करने के लिए, वो बोलता है ये सेनपाई इधर देखो मेरे पास क्या है, मेरे बड़े फुल स्लीव वाले सॉक्स है, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी, मैं अकेले पहन नहीं सकता। हेलो वो ना इग्नोर मार देता है नाटो हमारे सेनपाई, बोलता है तुम बहुत बोरिंग हो सेनपाई। वो नागाटोरा बोलता है प्लीज़ हेल्प कर दो, वो तो ठीक है ऐसा मत करो मेरे साथ, मैं ट्राई करूँगा, वैसे सोचता हूँ। तो वो बैठ के सोच रही होती है कि कैसे परेशान करूँ। वो निकाल फिर सॉक्स बोलती है कि सॉक्स देखो प्लीज़ कुछ मदद कर दो मेरे को। वो घबरा रहा था, वो मना कर रहा होता है अपने आप को कि नहीं करूँगा मैं, वो बार बार से परेशान कर रही थी क्यों सेनपाई प्लीज़, अरे सोचो सेनपाई आपको हमारे मेरी पैर छूने का मौका मिलेगा, सेनपाई सेनपाई करके उसे परेशान कर रहे होते हैं नागाटोरो। वो बोलती है कि ऐसा मत करो, बोलते क्यों आपको ये बढ़िया नहीं लगता बड़े बड़े सॉक्स, सोचो उसके बारे में। फिर वो बड़े बड़े परेशान करते करते आखिरकार उससे मनवा ही लेते कि हाँ पहना देगा। तो वो बोलते हैं चलो सेनपाई आप तो शुरुआत कीजिए। तो वो सोचता है कैसे डालो, तो वो धीरे धीरे पैर डाल में चढ़ा रहा होता है सॉक्स, उसको पहना रहा होता है, वो आँख बंद कर देता है, वो सोचता है कि मूली के अंदर मूली को कब पे सॉक्स पहना रहा हूँ। तो वो जैसे जैसे हाथ ऊपर उठाता है तो वो अपने आप को आँख बंद करता है कि कुछ गलत है, कुछ मत सोचो कुछ मत सोचो सब सही है। वो अपने पैर तक ले जाता है, नाटोरो को भी अजीब लगने लग जाता है, वो बोलते हैं कि रहन दो तुम क्या कर रही है, कहाँ हाथ जा रहा है तुम्हारा। वो सोचने लग जाती है क्या हो रहा है, वो कहते हैं मेरे को माफ़ करो मैं ऐसा नहीं कर सोच रही थी। वो जगह चलो कहीं घूमने चले क्या। वो दोनों फिर आते खाना खाने के लिए चारों, वो ना उसे कोने में बैठाते हैं, वो उसको फिर परेशान कर रहे होते हैं, और यहीं पे हमारा ये एपिसोड